है जन्माष्टमी और हम जाने वाले हैं किया के शोरूम पर। क्यों जा रहे हैं हम? हमको चाहिए न्यू सेंटोस। ये पर अभी हम किया के शोरूम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम अभी फैक्ट्री जा रहे हैं क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है इधर। हाँ, हमारी गलती से मिस्टेक हो गई। हुआ ये कि एक गाड़ी की चाबी यहाँ पे आ गई है 7070 आने वाली है। वो भी 7070 है। इतनी सारी 7070 पूरे घर में 7070 का अचार डालेंगे। जेम्स बॉन्ड पीछे क्या हो रहा है? सब कितने एक्साइटेड है? टुकु आप एक्साइटेड हो? अच्छा, चंडी पुली नहीं संभाली है, डायपर पहनता है इसलिए तो पुली नहीं संभाली है। उसी के मारे दो बार शुरू कर दिया मेरे मम्मा। ओह शिट, इसके डायपर तो लेके नहीं आए, मैंने बाहर निकाल के रखी थी चेयर पे। कोई बात नहीं, उससे लेने की वाली। अच्छा देखो मैं मिट पैर ये सा हंस रहा हूं। हां ओह डुगु, क्या बता ले आप? वो भैया के चश्मा लेना चाहते हो? अच्छा अच्छा, बाय बाय बुलडोजर। नहीं, जैसे भी उठाई किसी। पानी भी आने लगा। पानी आता तो बहुत शुभ मानता है। जन्माष्टमी है ना आज, कुछ भी शुभ करना हो तो। क्यों दीदी, पानी आ रहा है? कहा है दोस्तों, अगर हमको कल 500 लाइक आए तो ये दो बच्चे कल स्कूल नहीं जाएंगे। मेरा आपको प्रॉमिस है, ठीक है? और एक और ब्लॉग बना देंगे हम। मैं क्या बोल रही हूँ, बटन दिख रहा है उसको दबा डालो, तोड़ दो गाइस। नेने क्या बोल रही है, 500 लाइक्स पे इतना छोटा सा सरप्राइज कि हमको स्कूल ना जाना पड़े बस। हाँ। कोई भी नहीं डाल रहा, 500 लाइक इसके लिए दो। घर पे किंडर चाय पहुँचाऊ मैं? अगर 500 लाइक आए इस वीडियो पे तो मुझे पीसी दिलाना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, एक काम करते हैं, 500 लाइक आए तो आपको नई फूल वाली चड्डी दिलाएंगे, ठीक है? सो फाइनली हम पहुंच गए क्रेटा से सेल्टोस लेने, हंसी मजाक करते हुए। तो आप देख सकते हैं बच्चे कितना एक्साइटेड हैं और हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारी गाड़ी का जो कि अभी नहा धो के रेडी हो रही है, डुगु बहुत ज़्यादा खुश है। फाइनली इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई और हमारी प्यारी सी सेल्टोस ने मुंह दिखाई कर दी। डुगू ने भी अदर फैमिलीज मेंबर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया, आप देख सकते हैं कितना हैप्पी है। इसके बाद चालू हुआ बोरिंग सा पेपर वर्क जिसमें डुगू को आने लगी नींद। इसके बाद था बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाला वर्क जिसमें डुगू ने चेक किया कि सही गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं, उसने पूरी टेस्टिंग की। इसके बाद बच्चों ने भी सनरूफ से निकल के टेस्टिंग की कि हाँ प्रॉपरली चल रही है। डुगू ने तो ज़िद ही कर ली थी कि मुझे तो एयरबैग भी चेक करने हैं कि प्रॉपरली खुल रहे हैं कि नहीं, बट उसको जैसे तैसे समझाया और यहाँ हुई हमारी चाबी की डिलीवरी। जिस तरीके से कोई भी कार्य के पहले हम पूजा करते हैं, वैसे ही हमारे घर की लक्ष्मी नेने ने मस्त पूजा की गाड़ी की पंडित जी के साथ। दोस्तों और मज़ेदार बात तो ये थी कि पंडित जी से ज़्यादा दक्षिणा तो हमने नेने को दी। और यहाँ पे भाई सोच रहा था कि काश मेरे पास भी लाइसेंस होता इस गाड़ी को तो आज मैं ही चला लेता। जैसा कि आप देख सकते हैं डुगू से सब्र नहीं हो रहा था, वो बैठ के देख रहा था कि कब पंडित जी अपना काम ख़त्म करें और कब हम गाड़ी लेके फर्र हो जाएं। तो ये मिल गई हमें बड़ी सी चाबी, पर हमने लगाई छोटी वाली चाबी अपनी गाड़ी में और निकल पड़े खजराना मंदिर की ओर। इंदौर में कोई भी गाड़ी ली जाए वो सबसे पहले जाती है खजराना मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और हम निकल गए हमारे पहले सफ़र की ओर। क्या कर रहा नैना दीदी? डुगू वो अभी गाड़ी देख रहा है, चेक कर रहा है गाड़ी कैसे फीचर्स है। हमारा डुगू सो चुका है। नेने अपन कहाँ आए हैं? खजराना मंदिर। थक गया गाड़ी चला के आज। न्यू गाड़ी चलाई आज उसने, एकदम ये ऐसा सोया एकदम लूज करके बॉडी। और क्यों, अपन थोड़ी सी आवाज करो ये रूम में तो उठ जाता है। यहाँ कितनी आवाजें हैं, कोई घंटियां ही बज रही है।
घंटे वाले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कान में टिल्ले नहीं पड़ रहे इसके। ये देखो कितने अच्छे से सो रहा है बच्चा, हेयर स्टाइल भी मेंटेन कर रहा है, छोटे से तो बाल है मुन्नू। आज है जन्माष्टमी तो भगवान का मंदिर भी बढ़िया से सजा हुआ था, बलून्स वगैरह लगे थे बर्थडे के डेकोरेशन की तरह। और ये बहुत बड़ी सी राखी यहाँ बनाई गई है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को होल्ड कर रही है। इतना अच्छा टीका कहाँ से लगवा लिया? मंदिर में। अच्छा नर्सरी वाले में लगाया। अच्छा अबे पूरा खा गया बे छोटू। मंदिर के दर्शन हो गए, अब डुगु उठ गए। डुगु क्यों? गाइस मैं क्या करना था बेटू, मैं तो गाड़ी चला रहा था, सो कब किया? मैं तो गाड़ी चला रहा था, ये कब हुआ? अरे बाप रे, ये बेबीज होने का ही अच्छा फायदा है, सो कहीं और उठो कहीं और, है ना? गाड़ी चलाते लग कम में यहाँ आ गया मालूम नहीं पड़ा, लेकिन सोच कैसे सोच रहा है वो, सोच रहा है पूरा, सरप्राइज है पूरा। हंसी मजाक करने के बाद हम आ गए पार्किंग में। पार्किंग में हमारी गाड़ी की पंडित जी अच्छे से पूजा कर रहे थे और देख सकते हैं आप डुगू दादू के साथ कितना हैप्पी है। और ये डुगू का बेस्ट लुक है, चश्मा लगा के यहाँ पे फोटो खिंचवा रहा है। एंड हमने फिर भगवान को शुक्रिया कहा इस प्यारे से न्यू मेंबर के लिए। और ये हमारी पहली जर्नी चालू हो गई हमारे मेंबर को घर ले जाने की। और तो गाइस ऐसा था आज का हमारा दिन। ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास ऐसे वीडियोस आते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।